तो जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। कश्मीर में सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। शोपिया में पिछले 24 घंटों में 9 आतंकी मारे गए हैं। शोपिया के पिंजौरा इलाके में एनकाउंटर जो चल रहा था वो खत्म हो गया है और आज 4 आतंकी मारे गए हैं वहां पर। ये चारों आतंकी बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के रेबन इलाके में कल 5 आतंकवादी मारे गए थे, यानी कि हिजबुल के 9 आतंकियों को मार गिराया गया है अभी पिछले 24 घंटे में। ये बहुत बड़ी कामयाबी, कई मायनों में महत्वपूर्ण जानकारी। हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी पिछले 24 घंटे में ढेर कर दिए गए। शोपिया इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा था वहां पर भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये 2 तस्वीरें शोपिया का रेबन इलाका, यहां पर 5 आतंकियों को कल मार गिराया गया था जिसमें 2 टॉप कमांडर भी शामिल थे। और दूसरा जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो आज 4 आतंकियों के मारे जाने से जुड़ी हुई है। दरअसल ये शोपिया का ही दूसरा इलाका पिंजौरा इलाका है, यहां पर भी आज 4 आतंकियों को मारा गया। सर्च ऑपरेशन हालांकि अभी भी उस इलाके में, लेकिन कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए कि 24 घंटे के लिहाज से ये कितनी बड़ी कामयाबी हो जाती है, ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है। आतंक को रोकने को लेकर जो मुहिम लगातार चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसके लिहाज से, क्योंकि 9 आतंकी पिछले 24 घंटों में, कल 5 आतंकियों का खात्मा हुआ था और आज 4 आतंकियों को मार गिराया गया। तो कुल मिलाकर यहां पर जैसे जैसे सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे जैसे इनपुट मिलता है, उसके साथ मुस्तैदी से उस इलाके में उस ऑपरेशन को चलाना, और ऐसे हिजबुल के 4 टॉप कमांडर समेत कुल 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक की जड़ें पूरी तरीके से साफ करने की दिशा में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन कोशिशों को नाकाम करना हो या फिर इस तरह से इनपुट्स के बाद मुस्तैदी दिखाते हुए इन आतंकियों को मार गिराना, दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण। मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं, खालिद हुसैन मेरे साथ हैं, साथ ही मनीष शुक्ला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर, 24 घंटे में 9 आतंकियों को पूरी तरीके से निस्त नाबूद, जिनमें 4 कमांडर्स भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस साल शुरुआत से ही, जनवरी से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने खासतौर पर ऑपरेशन चलाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, और जो बड़े कमांडर्स को मारे जा रहे हैं, ये साल बड़ी कामयाबी का है, क्योंकि हमने देखा कि एक के बाद एक जो आतंकियों के कमांडर हैं उनका सफाया हुआ। कुछ दिनों पहले रियाज नाइकों को मारा गया, उसके बाद कुलगाम एरिया में काफी बड़े ऑपरेशन हुए जिसमें जैश मोहम्मद के कई टॉप आतंकियों को मारा गया, कई बॉम्ब जो एक्सपर्ट्स थे उनका खात्मा किया गया, और उसके साथ ही साथ पुलवामा जैसा एक इंसिडेंट दोबारा दोहराने की कोशिश थी उसको नाकाम किया गया। अब तक जो हमारे पास जानकारी है कि 88 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है, और शोपिया इलाका जो कि अलगाववादियों का, आतंकियों का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में पिछले 2 दिनों में काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए जिसमें 9 आतंकियों को मारा गया। ठीक है, खालिद भी मेरे साथ हैं। खालिद, कोई ताजा डिटेल, क्योंकि अभी ऑपरेशन आप बता रहे थे कि खत्म तो हो गया लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी उस इलाके में चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो डेड बॉडीज है उनको रिट्रीव कर लिया गया है, उनके पास से जो हथियार और गोला बारूद था उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभी एरिया को सैनिटाइज करके लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डर रहता है कि अगर कोई अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोजिव हो तो वो अगर फटता है तो आम लोगों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक निस्संदेही बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को शुपियन जैसे इलाके में जहां मैक्सिमम जो है मिलिटेंट्स का आना जाना रहता है और वहां पर काफी ज्यादा हाइड आउट्स भी है, वहां पर 9 मिलिटेंट्स जो है पिछले 24 घंटों में मार गिराना एक बड़ी सफलता है। और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया है कि ये 9 के 9 जो है हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट आउटफिट से हैं, और मिस हिजबुल मुजाहिदीन की अगर हम बात करें तो रियाज नायकू के मारे जाने के बाद लगातार एनकाउंटर्स में हम देख रहे हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है, यानी जब कमांडर मारा गया तो उसके बाद जो है इस आउटफिट का जो जड़े है काफी हद तक हिल गई है। ये सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन ही नहीं, जैश हो, लश्कर हो, अंसार और गजबतुल हिंद हो, इन सब के टॉप कमांडर्स जो मारे गए हैं, जो 88 मिलिटेंट इस बार 2020 वर्ष में मारे गए हैं उनमें से 21 टॉप कमांडर्स हैं जो हमें जानकारी मिली है मिलिटेंट संगठनों के जिनको मार गिराया गया है। तो निस्संदेही बड़े ही पैमाने पे एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस इस वर्ष चलाए जा रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि एक्टिव मिलिटेंट्स को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है, करीबन 22 मिलिटेंट्स हैं जिनको में भी लिया गया है, यानी मेन स्ट्रीम में आने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है। कल हमने देखा कि 3 लड़कों को जो है
जिनको मोटिवेट किया गया था कि वो मिलिटेंट संगठन में शामिल हो, उनको उससे बचा लिया गया। कहीं ना कहीं दो पे काम हो रहा है, एक तरफ जहां यहाँ के यूथ को जो है बचाया जा रहा है कि वो मिलिटेंट के पाथ पे ना जाए, और दूसरी तरफ जो एक्टिव मिलिटेंट्स है उनको या तो मार गिराया जा रहा है या फिर उनको पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा जो मिलिटेंट समर्थन है उन पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन इस वर्ष हुआ है। करीबन 135 अब तक अरेस्ट किए गए हैं और 125 की लिस्ट जो है वो अभी बनाई गई है, और तमाम जिला जो एसपी एसएसपीज हैं उनको बताया गया है कि उनको बुला लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, और जो उसमें ए कैटेगरी में आएंगे उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया जाएगा, लेकिन बी और सी कैटेगरी को काउंसलिंग करके जो है वापस मेन स्ट्रीम में आने लाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों पहलू पे काम हो रहा है, एक तरफ जो है यूथ को इस रास्ते पे जाने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रास्ते पे गए हैं उन्हें भी जो है मार गिराया जा रहा है या फिर अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है खालिद, आप मेरे साथ रहे। मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू जी भी जुड़ गए हैं। कर्नल तेज टिक्कू, आपसे समझना चाहूंगी कि आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, जो ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन था, 24 घंटे में यहां पर 9 आतंकियों को मार गिराया गया। देखिए शिरीन जी, ये जो ऑपरेशन हुआ है ये एक क्लीन ऑपरेशन है बाय लार्ज, और क्लीन ऑपरेशन का कुछ मतलब होता है उसके कुछ, जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर जब आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है और रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप कोलेटरल डैमेज के बगैर उन आतंकवादियों से डील कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक जो फीचर है इसका कि इंटेलिजेंस टाइमली रही है, रियल टाइम रही है और बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है इंसर्जेंसी के अंदर, क्योंकि आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं, उसका इंटेलिजेंस बनाना पड़ता है, लेकिन तब भी आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है, कितने आतंकवादी है, किस ग्रुप के हैं, किस मकान में छुपे हैं। तो ये उस वजह से एक इम्पॉर्टेंट एक डिवेलपमेंट है। मैं इसको क्यों डिवेलपमेंट बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप आतंकवादियों के साथ ऐसा क्लीन ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहला मतलब ये है कि लोकल सपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बहुत ज्यादा है, इसलिए पिछले कई महीनों से जो ये एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें सुरक्षा बलों को बहुत जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। पहला तो ये है लोकल सपोर्ट। दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 8-9 महीने के अंदर जो मिलिटेंट्स की टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, और कोई भी आर्म्ड ग्रुप जब तक उसके पास एक अच्छी लीडरशिप ना हो वो उसके लिए लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, वो तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं वो लोग, और फिर जब वो बिखर जाते हैं तो उनको एकदम से सिक्योरिटी फोर्सेस फिर बाद में उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात ये भी है, और जो 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 सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पहले जो पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था इन लोगों को और उनके जो प्रॉक्सीज बैठे हुए थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स बैठे थे, वो इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, जिस वजह से थोड़ी बहुत उनको कामयाबी मिलती थी। मुझे लगता है काफी हद तक पाकिस्तान को भी हमने कई तरीकों से न्यूट्रलाइज कर रखा है, वो इंटेलिजेंस फ्लो है या फाइनेंशियल फ्लो है या वहां से मोटिवेशनल फ्लो है या इंफिल्ट्रेटर्स का खुद अंदर आना। तो ये सब चीजें आपको इकट्ठा देखकर जब आप देखेंगे तो आप इसकी एनालिसिस में ये बोलेंगे कि मिलिटेंट्स का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, इस वजह से वो काफी ज्यादा मर रहे हैं और वो और भी मरते रहेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम अब बनेगा नहीं, ये सपोर्ट सिस्टम अब घटता जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहां पर बताई है कर्नल तेज टिक्कू, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का, दहशत फैलाने का काम लगातार कर रहे थे मनीष, और शायद यही वजह है ये तमाम चीजें और इस स्ट्रेटेजी को इस तरीके से लेकर चलना कि क्लीन ऑपरेशन को बनाया जा सके, वहां पर वो पूरा किया जा सके, यही वजह है शायद कि एक साल में, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक की मैं बात कर रही हूं बीते 6 महीनों की, 88 आतंकियों को सीधे सीधे यहां पर उनका खात्मा कर दिया गया।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 370 हटने के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो एजेंसीज है ISI लगातार वो कोशिश कर रहा है, दो फ्रंट पे कोशिश हो रही है। एक तो जो LC है वहां मैक्सिमम आतंकियों को भारत के अंदर दाखिल कराना, उनके अभी भी प्रेजेंस है काफी, लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात की कश्मीर के अंदर जो आतंकियों का जो नंबर्स है उसको लगभग खत्म करना या टॉप कमांडर्स को मार देना, और ये सारे अगर ऑपरेशन देखें तो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, जिसमें रियाज नायकों को मारा जाता है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को मारा जाता है, और इन सारे जो टॉप कमांडर्स हैं पाकिस्तानी जितने टेररिस्ट हैं उनकी पहचान की गई है वैली के अंदर, और लोग भी जैसा कि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी बेहतरीन इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं और आतंकियों को खात्मा किया जा रहा है। तो शायद वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी संगठन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और लोग वहां पर राहत की सांस लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहेगा कि कश्मीर के अंदर स्थितियां खराब हो, कश्मीर के अंदर टेररिज्म की कोशिश की जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में एक बड़े ऑपरेशन किया गया, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि शुपिया में जो ऑपरेशन हुआ उसमें कोई सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ, सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं हुई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण कि सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं और क्लीन ऑपरेशन पूरी तरीके से, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर। ठीक है, आप सभी मेरे साथ रहिए, लेकिन हम आपको दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आतंकवाद पर जी न्यूज से बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS विपिन रावत ने क्या कहा था। हम एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि सारे टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे और फेंस पे मारेंगे, क्योंकि वो इंफिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे और हम उनको मारेंगे, हम आतंकवाद को खत्म करने में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहां पर कैसे अब ये स्टेप बाय स्टेप लगातार इस अभियान को, इस मुहिम को, इस ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है और उस दिशा में लगातार एक के बाद एक कामयाबी। इस साल की शुरुआत से अब तक लेकर 88 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। कर्नल तेज टिक्कू भी मेरे साथ हैं। कर्नल तेज टिक्कू, आप जिस तरह से बता रहे थे कि ये क्लीन ऑपरेशन और इस तरह से सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे और आतंकियों को पूरी तरीके से उस इलाके से ही खत्म कर दिया जाए, बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है, और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी किस तरह काम कर रही हैं और वो इनपुट्स मिलने के बाद एक्शन कैसे बॉर्डर पर या फिर जम्मू कश्मीर में लिया जाता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर। जी ये मैंने आपको पिछले मेरे कमेंट में पूरा डिटेल में ये मैंने बता दिया। इसका आप एक और एक पहलू है, अभी जो ID का कोशिश किया गया था और उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाका के ऊपर रोकने की कोशिश करी गाड़ी को और फिर उसको कंट्रोल तरीके से उड़ा दिया गया, ये मैं मानता हूँ ये एक बहुत जबरदस्त कामयाबी थी, क्योंकि ID को गाड़ी में जब वो होता है, ID गाड़ी को फैब्रिकेट किया जाता है, उससे तकरीबन 70-90% चांसेस होते हैं कि वो कामयाब होगा, क्योंकि उसमें एक या एक आधा आदमी ही शामिल होता है, जो टारगेट छोटा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिल पाती है। लेकिन जब वो कामयाबी मिली तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस और क्रेडिबल इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा है, और ये मैंने आपको इसके कारण बता दिया। मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए किसी भी इंसर्जेंसी इलाके में, वो कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट या कोई भी जगह हो जहां इंसर्जेंसी होती है, तो तकरीबन 95-97% लोग जो है, कॉमन आदमी जो होता है, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो डर पैदा करता है एक मिलिटेंट का, इंडिविजुअल मिलिटेंट या मिलिटेंट ग्रुप जब डर पैदा करता है और कभी ऐसा लगता है कि उनका पलड़ा भारी हो गया, वो ज्यादा वायलेंस कर रहे हैं, लोगों को डराना है, तो लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है सिमट जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मिलिटेंट्स उनको मारेंगे, उनका पलड़ा भारी हो गया। लेकिन आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 8 महीने में, आपने खुद ही बोला, 80 मिलिटेंट तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और खासकर शुपियान पुलवामा इलाका साउथ का जो कि हब माना जाता है इनका, खासकर शुपियान, तो वहां ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग नहीं चाहते अब इसके साथ, मिलिटेंट्स के साथ किसी भी तरीके से जुड़ना, वो चाहते हैं कि उनको जो है अपनी जिंदगी बसर करने का मौका दिया जाए, वो आगे प्रोग्रेस करती जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने तेज टिक्कू, क्योंकि लोकल सपोर्ट मिलना ये बहुत जरूरी हो जाता है। खालिद, लोकल सपोर्ट है इसीलिए इन ऑपरेशंस को इतनी जल्दी और इतना जल्दी इन आतंकियों पर काबू पाना वहां पर सुरक्षा बलों के लिए एक हेल्प उनके लिए है, एक मदद उनके लिए है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोकल जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप किया है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत ही ये जो सारे ऑपरेशंस किए गए हैं, आपको जितने इनपुट्स मिलते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही मिलते हैं और निस्संदेही उसी इलाके के लोग होते हैं जो जो है सुरक्षा बलों तक ये खबर पहुंचाते हैं। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो ऑन ग्राउंड जो इनपुट्स हैं वो मैक्सिमम जम्मू कश्मीर पुलिस तक पहुंचते हैं और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो उसके डिजिटल या फिर फोन कॉल्स या फिर ऐसे इंटरनेट, लेकिन फेस टू फेस बात होती है और लोग आते हैं और बोलते हैं उनको कि यहाँ पर ये हरकत हो रही है। तो इससे काफी मदद मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस को और फिर जो वो इंफॉर्मेशन जो है, एक जो सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया है, जॉइंट सिक्योरिटी ग्रिड, जिसमें सेना है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसमें वो इंफॉर्मेशन साझा किया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन को किया जाता है। और जिस तरह से स्पेसिफिक इनपुट्स मिलते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है पिछले 8 महीने में जहां पर ऑपरेशन किया गया हो और वहां मिलिटेंट्स ना मिले हों, इसलिए ये बहुत ही इनपुट्स होते हैं, यानी का सटीक इंफॉर्मेशन होती है कि कहां पर मिलिटेंट छुपा है और उस गई उसी बिल्कुल, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बाद ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों का शुरू होता है, जिसके बाद सीधा असर क्या होता है आप इसी खबर से समझिए कि 24 घंटे में 9 आतंकी मार गिराए गए, जिनमें इन आतंकियों के 4 टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस खबर पर, चूंकि खबर बहुत बड़ी है तो नजर लगातार हमारी है, अपडेट जो भी होगा जी न्यूज पर सबसे पहले आप देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.